हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मेरे इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आने वाली मूवीज और कुछ वेब सीरीज की कंफर्म रिलीज डेट के बारे में कि ये मूवी हमें कब और कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर सबसे पहली मूवी की बात की जाए तो सबसे पहली मूवी का नाम है गुंजन सक्सेना, जिसके अंदर हमें जाह्नवी कपूर, पंकज त्रिपाठी और अंगद बेदी दिखाई देंगे। ये मूवी गुंजन सक्सेना की लाइफ पर बेस्ड है जो कि हमें जल्दी 12 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। और अब बात करते हैं अगली मूवी की। अगली मूवी का नाम है क्लास ऑफ 83, जिसके अंदर हमें बॉबी देओल दिखाई दे रहे हैं और वो इस मूवी के अंदर एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में दिखाई दे रहे हैं। और ये मूवी एक ट्रू इंसिडेंट्स पर बेस्ड है जिसमें मुंबई पुलिस ने 1983 में कैसे गैंगस्टरों का इनकाउंटर किया था, उन्हीं सब चीजों के बारे में इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। और ये मूवी अब हमें 21 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है। और अब बढ़ते हैं अगली मूवी की तरफ, जिसका नाम है खुदा हाफिज, जिसके अंदर हमें विद्युत जामवाल दिखाई देंगे। दोस्तों ये मूवी अब हमें डिज्नी हॉटस्टार पर 14 अगस्त को देखने को मिलने वाली है, वो भी शाम 7:30 बजे। और अब बात करते हैं इस लिस्ट की आखिरी मूवी की, जिसका नाम है सड़क 2, जिसके अंदर हमें संजय दत्त के साथ आदित्य रॉय कपूर और आलिया भट्ट दिखाई देंगी। आपको बता दूं दोस्तों ये मूवी 1991 की सड़क का सेकंड पार्ट है जो कि अब हमें जल्दी 28 अगस्त को डिज्नी हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाला है। क्या आप इस मूवी के लिए एक्साइटेड हो? अगर हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अब बात करते हैं दोस्तों वेब सीरीज की कि हमें जल्दी कौन कौन सी वेब सीरीज अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलने वाली है। इन सब वेब सीरीज की डिजिटल रिलीज डेट कंफर्म है। अगर सबसे पहली सीरीज की बात की जाए तो सबसे पहली सीरीज का नाम है मसाबा मसाबा, जिसके अंदर हमें नीना गुप्ता और उनकी बेटी मसाबा गुप्ता दिखाई देंगी। दोस्तों ये सीरीज नेटफ्लिक्स पर 28 अगस्त को रिलीज होने वाली है। अगर अगली सीरीज की बात करें तो अगली सीरीज का नाम है डेंजरस, जिसके अंदर हमें लंबे समय से गायब हो चुकी एक्ट्रेस बिपाशा बासु वापसी करती हुई दिखाई देंगी और साथ ही उनके पति करण सिंह ग्रोवर भी इस सीरीज के अंदर हमें दिखाई दे रहे हैं। सीरीज का ट्रेलर रिलीज हो चुका है जो कि देखने में काफी इम्प्रेसिव भी लग रहा है, जिसके अंदर साफ साफ एक डेंजरस गेम दिखाई जा रही है क्योंकि सीरीज के अंदर बिपाशा बासु एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में है और वहीं करण सिंह ग्रोवर एक सस्पेक्ट के रोल में है जिनकी बीवी गायब हो चुकी है। दोस्तों आपको बता दूं ये सीरीज हमें 14 अगस्त को MX प्लेयर पर देखने को मिलने वाली है। और अब बात करते हैं अगली सीरीज का। अगली सीरीज का नाम है आश्रम, जिसके अंदर हमें बॉबी देओल दिखाई दे रही हैं और बॉबी देओल का लुक कहीं ना कहीं बाबा राम रहीम से इंस्पायर लग रहा है। बाकी तो सीरीज रिलीज होने के बाद पता चलेगा कि वो इस सीरीज के अंदर किसका रोल प्ले कर रहे हैं। आपको बता दूं इस सीरीज को डायरेक्ट किया है प्रकाश झा ने और ये सीरीज भी हमें 28 अगस्त को MX प्लेयर पर देखने को मिलने वाली है। और अब बात करते हैं हमारी अगली सीरीज की, जिसका नाम है अभय 2। अभय सीजन 1 की जबरदस्त सफलता के बाद अब मेकर्स हाजिर हैं अभय सीजन 2 के साथ, जिसके अंदर हमें कुणाल खेमू के साथ इस बार राम कपूर और चंकी पांडे भी दिखाई देंगे। तो दोस्तों तैयार रहिए अभय सीजन 2 के लिए जो कि हमें 14 अगस्त को G5 पर देखने को मिलने वाला है। और इसी के साथ आज का मेरा ये वीडियो बस यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय दोस्तों।